यकीन दिलाना चाहता हूँ गाइस कि आज के टाइम में ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि जो भी टैंक वाटर टैंक अलार्म आते हैं उनमें टैंक फुल होने का तो सिग्नल मिल जाता है हमें, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि हमारा टैंक एम्प्टी कब हुआ है। तो उस मामले में ये बहुत ही बेहतर है, आपको दोनों ही फीचर इसमें मिल जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो गाइस चलिए अब हम इस वाटर टैंक अलार्म की टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं, और इसकी टेस्टिंग के लिए चाहिए होगा हमें एक पावर बैंक। इस पावर बैंक की जगह आप एक चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं, 5V 1A का चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं, और एक चाहिए होगी हमें USB केबल। तो हमने एक ग्लास ले लिया है और ये हमारा वाटर टैंक का काम करेगा। तो अब सबसे पहले हम इस 5-pin कनेक्टर को अपने वाटर टैंक अलार्म से कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमने 5-pin कनेक्टर को अपने वाटर टैंक अलार्म से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम अपने टैंक में ये ब्लैक वायर जो है, इस ब्लैक वायर को हम अपने टैंक की सबसे बॉटम लेवल पे जो है जाके टच करा देंगे, क्योंकि ये हमारा मेन वायर है। इसका टैंक की जो है बॉटम लेवल पे टच होना बहुत ज़रूरी है, इसी से सारी लेवल हमारे जो हैं सेट होंगी, वाटर की लेवल जो हैं आइडेंटिफाई होंगी कि टैंक में जो है कितना पानी है। तो अब चलिए हम इसको पावर देते हैं अपने वाटर टैंक अलार्म को। तो जैसे ही हम अपने वाटर टैंक अलार्म को पावर देते हैं तो एक इस तरीके का इंडिकेशन आपको मिलता है, और ये इंडिकेशन आपको बताता है कि हमारे टैंक में जो है अभी पानी नहीं है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं गाइस, हमारे टैंक में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो चलिए सो गाइस चलिए अब हम थोड़ा टैंक में थोड़ा सा पानी फिल करते हैं इसमें। तो आप देखेंगे जैसे ही हमारे टैंक में थोड़ा सा पानी जाता है तो हमारा जो एम्प्टी का जो सिग्नल है वो बंद हो जाता है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हमारे टैंक में थोड़ा पानी पहुंचेगा तो हमारा टैंक जो है वो टोटली एम्प्टी नहीं होगा, इसका मतलब टैंक में थोड़ा बहुत पानी है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैं इस वायर को निकाल लेता हूँ तो ये फिर से मैं एक इंडिकेशन देता है कि हमारे टैंक बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अगर जैसे ही ये वायर इससे टच करेगा वाटर लेवल से तो वैसे ही ये इंडिकेशन बंद हो जाएगा। चलिए अब ये वायर्स जो हैं मैं टैंक में थोड़ा सा और पानी बढ़ा देता हूँ। अब ये जो सेकंड वायर है इसका, ये जो सेकंड वायर है अब मैं इसको टैंक में जो डालता हूँ, ये रेड कलर का वायर। तो आप देखेंगे कि एक रेड इंडिकेशन हमें मिलता है, ये इंडिकेशन बताता है कि टैंक में वाटर लो है, एम्प्टी नहीं है बट लो है, ये इंडिकेशन हमें ये बताता है। देखिए ये आपको इंडिकेशन जलता हुआ दिख रहा होगा। और अब एक सेकंड वायर है हमारा, ये ऑरेंज कलर का वायर, इसको डालते हैं। तो जब वाटर हमारा इस लेवल को टच करेगा तो एक ग्रीन इंडिकेशन मिलेगा, ये बताता है कि हमारे टैंक में हाफ वाटर है अभी। और अब हम ये थर्ड वायर ये जो है इसको हम जब डालते हैं तो हमारा टैंक फुल हो जाता है, और इस तरीके का इंडिकेशन मिलेगा, ये बताता है कि हमारा टैंक फुल हो चुका है। तो गाइज ये दोनों इंडिकेशन टोटली अलग हैं बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। और गाइज जैसे जैसे ये वाटर जो है इन सिग्नल से नीचे जाता जाएगा, हमारा जो इंडिकेशन लेवल है वो डाउन होता जाएगा, और एक पॉइंट पे आके ये टैंक को एम्प्टी बताएगा। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार से। सबसे पहले मैं ये येलो कलर का वायर निकालता हूँ तो ये जो फुल टैंक का जो अलार्म है वो बंद हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद ये ऑरेंज कलर का वायर निकालते हैं तो ये ग्रीन इंडिकेशन बंद हो जाएगा, और इसके बाद हम ये रेड कलर का वायर निकालते हैं तो टैंक का लेवल लो से भी नीचे चला गया है। और जैसे ही ये इस वाले इंडिकेशन से नीचे जाएगा हमें एक ड्रॉप साउंड मिलेगा जो ये बताएगा कि हमारे टैंक में पानी एम्प्टी हो चुका है। सो गाइस ये सिग्नल और फुल अलार्म का सिग्नल दोनों ही अलग हैं, आप इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये हमारा टैंक जो है अभी खाली है या भरा हुआ है। तो ये इसलिए ये टैंक वाटर टैंक अलार्म जो है बहुत ही स्पेशल है।
सो गाइज ये था हमारा वाटर टैंक अलार्म। अगर आप भी इसको बाय करना चाहते हैं या इसके बारे में कैसी भी जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।